मणिपुर राज्य में विगत कई दिनों से हो रही विभत्स घटनाएं, महिलाओं को नग्न कर जुलूस निकालना, बलात्कार, गैंगरेप, हत्या करना, जलाना और सैकड़ों लोगों की हत्याएं थमने के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद होने से वहां की घटनाएं देश जान नहीं पा रहा। आजादी के बाद जितने भी दंगे हुए हैं, मणिपुर की घटनाओं ने सबको पीछे छोड़ दिया। मणिपुर राज्य सरकार दंगा, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप को रोकने में नाकाम है। मुख्यमंत्री मणिपुर के द्वारा टीवी पत्रकार को दिए गए बयान में ये साबित होता है कि सैकड़ों लोगों के साथ प्रतिदिन अत्याचार, शोषण हो रहा है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल से अनुरोध है कि अतिशीघ्र मणिपुर राज्य में हो रही हत्या, बलात्कार, विस्थापन, घर जलाने जैसी घटनाओं को अतिशीघ्र संज्ञान में लेकर संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए मणिपुर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उक्त घटना के विरुद्ध अतिशीघ्र कड़े कदम उठाए जाए, जिससे राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे और दंगाइयों, बलात्कारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। निकालने का प्रमुख कारण है जो मणिपुर के अंदर घटना हुई, वो घटना में दो महिलाओं को रेप करने के बाद में निर्वस्त करके जो उनको घुमाया गया, उसमें पूरे देश इस बात को लेकर सरकार, पूरा देश और पूरा आदिवासी समाज के साथ साथ पूरा देश सरकार हुआ। उस घटना के विरोध में आज राजी बड़े पत्थर थे, जिसमें सभी दलों के लोग थे, सभी सामाजिक संगठनों के लोग थे, आदिवासी संगठनों के लोग थे। उस घटना के विरोध में रांची से कैंडल मार्च हमने निकाला, रांची बड़े पत्थर से मस्ताना चौक, दर्शन सिंह चौक होते हुए राष्ट्रपति महोदय को अपना जो टीआई महोदय उनके माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम किया। इस घटना से इतनी शर्मसार हुए हैं लोग, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको संज्ञान में लिया, उसके बाद ढाई महीने प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का बयान आया। और सबसे दुखद बात यह है कि आज देश की जो महिला है, राष्ट्रपति जो महिला है, हमारी प्रथम महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी तरफ से आज की तारीख तक इस घटना पर कोई बहुत ही चिंतनीय विषय है। देश को, तमाम लोगों को हम शांति की अपील करते हैं कि इससे हम बाहर आएँ, संविधान के तहत काम करें। नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान रहे, ये देश है, नारी शक्ति का सम्मान है, ये संविधान से चले। ये आज के हमने राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंपा है। मैं नील सिंह मरका, अध्यक्ष कड़ा गुमाना संगठन। कई दिनों से, कई मतलब मैं रहा कि 3 महीने कहीं हो गए लगभग, इसमें SC ST मतलब जो दंगा फसाद जो चल रही है, और बीच में अभी महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार किया गया, नंगे उनको घुमाया गया, अभी तक सरकार सो रही है, जबकि उसको राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। और ऐसी सरकार को हम निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री आप इस्तीफा दें, और उसी के विरोध में आज बड़े पत्थर गांधी से कैंडल मार्च निकाल के यहाँ कलेक्टर महोदय और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। आपका नाम? राजेंद्र सिंह टेकाम, आदिवासी।